अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरूज अली और आप देख रहे हैं एशिया पोस्ट। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बोस्निया के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरत अंगेज़ मालूमात। नाज़रीन, 1995 की बात है जब बोस्निया में मुस्लिम ग्रोह मुसल्ला हो चुके थे, तो अक्वामे मतहदा की अमन फ़ौज ने इन्हें इलाके से निकलने का हुक्म दिया। अक्वामे मतहदा की अमन मिशन फ़ौज में ज़्यादातर तादाद नीदरलैंड की थी। इस फौज का ये हाल था कि जो बंदा छुट्टी पर जाता था तो इसे वापस नहीं जाने दिया जाता था, जबकि 1995 में नीदरलैंड की फ़ौजों की तादाद तकरीबन 400 रह गई थी। अलबत्त पाकिस्तानी अफवाज ने अपने बोस्नियाई मुसलमानों का बहुत साथ दिया, जो बोस्निया कभी भूल नहीं सकेगा। पाकिस्तानी फ़ौजी अपने हिस्से का खाना बोस्नियाई पनाहगज़ीरों को दिया करते थे और ख़ुद नहीं खाते थे। बोस्निया की ख़वातीन की इज़्ज़तों की हिफाजत करने में पाकिस्तानी फ़ौज का अहम किरदार था। बोस्निया में पाकिस्तानी लोगों को लोग अपने घर बुलाते हैं और इनकी इज़्ज़त अफजाई करते हैं। पाकिस्तानियों के इस जज्बे को सराहते हुए बोस्निया जाने वाले पाकिस्तानियों से एयरपोर्ट पर कोई सवाल जवाब नहीं किए जाते। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बोस्निया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे ताकि मुसलमानों का भाईचारा आपस में कायम रहे। आज बोस्निया का शुमार यूरोप के महफूज ममालिक में किया जाता है। जंग के दौरान तबाह होने वाले शहरों को दोबारा तामीर किया गया है और मईशत को भी बेहतर किया गया है। बोस्निया में बोस्नियाई, क्रोशियाई और सर्बियन नस्लों के लोग बसते हैं। बोस्निया में अमन की फ़िज़ा कायम हो चुकी है। हम पाकिस्तानी बोस्निया के लिए दुआगो हैं कि वो हमेशा आबाद रहे। बोस्निया दुनिया का 125वां बड़ा मुल्क माना जाता है। आज इस मुल्क की आबादी तकरीबन 35 लाख से ज़ायद है और इसका शुमार दुनिया की आबादी के हवाले से 132वें बड़े मुल्क के तौर पर किया जाता है। बोस्निया की करेंसी को कन्वर्टिबल मार्क कहा जाता है। बोस्निया में जाने के लिए पाकिस्तानियों को इनडायरेक्ट जाना पड़ता है। पाकिस्तान और बोस्निया के वक्त में 3 घंटे का फ़र्क है। पाकिस्तान वक्त के लिहाज से बोस्निया से 3 घंटे आगे है। बोस्निया में सैर के लिए गर्मियों का मौसम बेहतरीन है और यहाँ पर महंगाई ना होने के बराबर है और रिहाइश भी मुनासिब किराए पर मिल जाती है। फ़ुटबॉल इस मुल्क का मकबूल तरीन खेल है और ये ही इस मुल्क का कौमी खेल भी है। यहाँ कॉफ़ी भी कसरत से पी जाती है। बोस्निया में खूबसूरती बहुत ज़्यादा है और सयाह बहुत शौक़ से सैरो तफरी के लिए आते हैं। नाज़रीन, ये थी बोस्निया के हवाले से कुछ दिलचस्प मालूमात। दोबारा फिर एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। Thanks.